हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज जो हम मेडिसिन पढ़ेंगे उसका नाम है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका जो मेडिसिन होती है वो बनती है हनी बी से, यानी कि मधुमक्खी से। इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या होता है, पॉइजन ऑफ हनी बी। और इसके प्रूवर हैं डॉक्टर ब्राउन्स, और इसका जो फैमिली है वो है एपियम वायरस। इस मेडिसिन के अंदर ओवरऑल एक तो इसका जो यूरिनरी कंप्लेंट्स होती है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 5 मार्क्स में पूछ ली जाती है, और एज सच आपको मेडिसिन में आपको गाइडिंग सिम्टम आने चाहिए, बाकी कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं पूछते। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस मेडिसिन को। एपिस इज़ अ वेरी यूजफुल एंटीसोरिक मेडिसिन प्रिपेयर फ्रॉम द पॉइजन ऑफ हनी बी। बी स्टिंग गिव्स बर्निंग, स्टिंगिंग पेन, सोरनेस, रेड रोज ह्यू एंड पफिनेस ऑफ द पार्ट विच इज सेंसिटिव टू टच। पर्सन बिकम्स इरिटेबल, रेस्टलेस एंड क्राइज और इवन वीप्स टिल द पेन सबसाइड्स। तो इसके जो सिम्टम होंगे जो पेशेंट के अंदर आएंगे वो आपको ध्यान में रखना है, मधुमक्खी का ध्यान रख के। जैसे एक मधुमक्खी किसी को काटती है तो क्या होगा, उसको जलन होती है, जगह लाल हो जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, स्टिंगिंग पेन होता है, पफीनेस आ जाती है, और उस जगह को टच करना भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है। सेम वही सिम्टम्स आपको इस पेशेंट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए इंट्रोडक्शन में थोड़ा इन्होंने इन सिम्टम्स को हाईलाइट किया है कि जिस तरीके से एक हनी बी के कट करने सॉरी काटने से पेशेंट को ऐसा फीलिंग आती है, पफिनेस वगैरह और ऐसे जलन हो जाना, वो सब सेम वही उसके अंदर पेशेंट के अंदर भी हमें सिम्टम्स में मिलेगा। तो आपको गाइडिंग सिम्टम याद रखने में थोड़ी ईजी हो जाता है मधुमक्खी का रिकॉल करके। सो ऑल्सो वैन एपिस इज प्रूवड ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग द सेम पैथोजेनेटिक सिम्टम्स आर फाउंड। क्लिनिकली एब्सेस, एपोप्लेक्सी, अस्थमा, ब्राइट्स डिजीज, कार्बंकल, कॉन्स्टिपेशन, कैंसरस अफेक्शन, डायरिया, ड्रॉप्सी, आई ट्रबल्स, ग्रेंग्रीन, हाइड्रोसिफिलस, इंटरमिटेंट फीवर, किडनी अफेक्शन, मेनिनजाइटिस, मेंस्ट्रुअल ट्रबल, रूमेटिज्म, स्किन अफेक्शन, ट्यूमर्स, यूरिनरी ट्रबल्स। इन सभी के अंदर बीमारियों के अंदर हम इस एपिस मेडिसिन को दे सकते हैं। स्फेयर अफेक्शन क्या होता है इसका, ये सेलुलर टिश्यूज़ पे, ग्लैंड्स पे, स्किन, ब्रेन, यूरिनरी सिस्टम पे, हार्ट, प्लूरा, सीरस मेम्ब्रेन पे काम करती है। मेन इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, देन पैथोजेनेसिस क्या है, एपिस इज प्रीडोमिनेटली अ राइट साइडेड मेडिसिन। तो ये क्या है, एक राइट साइडेड मेडिसिन है, यानी कि इसकी जो कंप्लेंट्स होंगी वो राइट साइड की ओर जाएंगी। एक्टिंग ऑन द सेलुलर टिश्यू इट कॉजेज एडिमा ऑफ द स्किन। स्किन में एडिमा हो सकता है तो उसमें हम दे सकते हैं एपिस मेडिसिन, जो होती है वो एडिमा होगा पेशेंट के अंदर। म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी कॉजिंग एडिमा एंड इवन एनएसआर का, फुल बॉडी एडिमा को एनएसआर का कहते हैं। ठीक है, सो ये एडिमा के अंदर दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो होगा उसके अंदर एडिमा प्रोड्यूस हो जाएगा इस मेडिसिन से। ऑन मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोसिफिलस, जो दिमाग है ना, उसके ब्रेन के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, उन मेम्ब्रेन्स के अंदर फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है, उसे हाइड्रोसिफिलस कहते हैं। तो वही फ्लूइड अगर बॉडी में है तो एडिमा कह दिया, दिमाग में भर गया तो उसे हाइड्रोसिफिलस कह दिया। तो इसके अंदर भी एपिस मेडिसिन इफेक्टिव है। प्लूरा सेटिंग प्लूरेसी विद एफ्यूजन एंड ऑन सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट मैनिफेस्टिंग साइनोवाइटिस। तो जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ साइनोवाइटिस हो जाता है, एंड उसके अलावा प्लूरेसी हो जाती है लंग्स के अंदर, प्लूरा में फ्लूइड भर जाता है। उसके बाद में ऑन ग्लैंड्स इट कॉजेस एनलार्जमेंट एंड इंड्यूरेशन। तो बेसिकली ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन करवाती है एक तरीके से मेडिसिन। ठीक है, देन आता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, पेशेंट इज स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन, बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड, पेल वैक्सी एडिमेशियस फेस। सो कैसा होगा दिखने में पर्सन, उसकी जो आंखें हैं ना, आंखों की जो लोअर आईलिड है वहाँ पे बैग लाइक स्वेलिंग मिलेगी आपको। ठीक है, फर्दर आपको इसमें क्या मिलेगा, एडिमा हो रखा होगा फेस के अंदर, फेस में भी सूजन होगी। ठीक है, एडिमा प्रेजेंट होगा और लोअर आईलिड के अंदर भी आपको स्वेलिंग मिलेगी, बैग लाइक स्वेलिंग। टेम्परामेंट क्या है, इरिटेबल होता है पेशेंट, जैसे मधुमक्खी होती है वो क्या है, जल्दी ही उसको आप हल्का सा ऐसे हाथ से मार दोगे वो इरिटेट हो जाएगी, गुस्सा एंगर उसके अंदर बहुत होता है, वो जल्दी से अपने जो उसके साथी मधुमक्खी हैं उनको वो बुला के ले आएगी अटैक करने के लिए। तो वही चीज़ हम पेशेंट के अंदर भी समझ सकते हैं कि पेशेंट भी बहुत इरिटेबल टेम्परामेंट का होता है। देन रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, वही मधुमक्खी होगी गुस्से वाली होती है तो गर्मियों में तो और ज़्यादा अटैक करती है, तो इसीलिए हॉट टाइप का पेशेंट होता है। और सोरा इज इन द बैकग्राउंड, डायथीसिस, सेक्रोफिलस डायथीसिस। सेक्रोफिलस का मतलब क्या है कि ग्लैंड्स के अंदर थोड़ी एनलार्जमेंट इसमें होती है, तो वो तो हमें पता लग ही रहा है क्योंकि फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसलिए ग्लैंड्स की एनलार्जमेंट इसमें है। गाइडिंग सिम्टम क्या है, ये एक राइट साइडेड रेमेडी है। सिम्टम्स प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
राइट साइड से ओरिजिन होके लेफ्ट की ओर जाते हैं, मेन राइट साइड के अंदर सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं। रस्टॉक्स में उल्टा है, उसमें लेफ्ट से राइट जाते हैं, और लैकेसिस के अंदर अबव डाउनवर्ड। ठीक है, ये इसका गाइडिंग सिम्टम हो गया पहला। दूसरा क्या है, एवर्जन टू टाइट बैंडेज लाइक लैकेसिस इज वेरी मच प्रेजेंट इन एपिस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो लैकेसिस पेशेंट होता है या लैकेसिस मेडिसिन है, उसके अंदर जो पेशेंट होता है वो क्या है, सांप से बनती है मेडिसिन, तो उसमें इरिटेशन होती है नेक के अराउंड। इसमें भी वही एवर्जन है, एग्रेवेशन होती है टाइट बैंडेज से, वेरी मच प्रेजेंट इन एपिस। उसके बाद में इसमें आगे दिया हुआ है, एपिस है इज अ ग्रेट पेन रेमेडी, करेक्टर ऑफ पेन इज बर्निंग, स्टिंगिंग, सोरनेस, सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो पेन रेमेडी होती है, और बर्निंग, स्टिंगिंग, सोरनेस टाइप का पेन होता है इसमें। जैसे कि मधुमक्खी काटती है तो पर्सन को कैसा होता है, बर्निंग स्टिंगिंग टाइप का पेन होगा, वैसा ही पेशेंट को भी पेन होता है। उसके बाद में है, एपिस इज जनरली थर्सलेस एक्सेप्ट ड्यूरिंग चिल स्टेज ऑफ द इंटरमिटेंट फीवर, इट इज थर्सलेस स्पेशली इन ड्रॉपसी। तो इसके जो पेशेंट होता है एपिस मेडिसिन का, उसको प्यास नहीं लगती, पेशेंट इज थर्सलेस। ठीक है, उसके बाद में आता है इसका आगे के जो गाइडिंग सिम्टम दिए हुए हैं वो है एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच। तो वो हमने पहले ही पढ़ लिया, जैसे लेकेसिस क्या है, सेंसिटिव होता है टच पे, वैसे ही जो एपिस मेडिसिन का पेशेंट है वो भी सेंसिटिव होता है टच को लेके। देन एडिमा, बैग लाइक स्वेलिंग होगी अंडर आइज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि स्वेलिंग तो रहेगी रहेगी हर जगह, इसमें एडिमा आपको सिम्टम मिलेगा। उसके बाद में है स्किन अल्टरनेटली ड्राई एंड परस्पायरिंग, कभी तो देखो एकदम सूखी ड्राई स्किन हो जाती है, कभी पेशेंट के इतना पसीना आने लग जाता है। फील्स सफोकेटेड, फील्स एज इफ एवरी ब्रीथ वुड बी हिज लास्ट, स्पेशली इन ड्रॉप्सिकल कंडीशन एंड इन हीट स्टेज ऑफ द इंटरमीडिएट फीवर। तो पेशेंट को क्या लगता है कि उसकी हर सांस क्या है, लास्ट है, ऐसी उसको फीलिंग आती है। देन क्रेविंग फॉर कोल्ड इन जनरल, कोल्ड मिल्क एंड सो थिंग्स। पेशेंट कैसे हॉट है, हमने पढ़ा उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑब्वियस बात है उसको ठंडी चीज़ों से का डिज़ायर होगा, और ठंडी चीज़ों से उसको थोड़ा रिलीफ भी फील होता है। इनवॉलंटरी डायरिया विद सेंसेशन एज इफ एनस वॉज वाइड ओपन, तो बहुत ज़्यादा उसको डायरिया, लूज मोशन लग जाते हैं, और ऐसे लगता है कि उसका जो एनस है वो खुला हुआ है, कि स्टूल निकल ही जा रहा है, डायरिया आ ही जा रहा है, वो मतलब प्रोसेस में है एकदम, स्टूल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यूरिन इज कैंटी फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल, सडन अर्जिंग, स्ट्रेंगरी स्काल्स वाइल पासिंग यूरिन, इरिटेट्स विद बर्निंग पेन। तो इसमें पेशेंट को यूरिनरी सिम्टम हम डिटेल में इसके सारे यहाँ पे दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे, बस वैसे दिया हुआ है कि स्कैंटी यानी कि कम अमाउंट में है, बार बार आएगा। ठीक है, उसको बार बार अर्जिंग हो रही है यूरिन पास करने की, लेकिन निकल नहीं रहा, बहुत जोर लगा के उससे स्टूल यूरिन जो है वो पास हो रहा है, एंड पेन भी बहुत होता है, अजीब सा उसको सेंसेशन होती है वाइल पासिंग यूरिन, बर्निंग सेंसेशन भी होती है और इरिटेशन भी होती है। स्टुपोर विद शार्प सडन श्रिल क्राइज इन ब्रेन डिजीजेस, तो पेशेंट में क्या है, स्टुपोर है। स्टुपोर का मतलब क्या होता है कि एक अनकॉन्शियसनेस की स्टेट, यानी कि पेशेंट क्या है, थोड़ा सा अनकॉन्शियस रहता है, उसको होश नहीं रहता। ठीक है, ऐसा ब्रेन डिजीजेस जब जब ऐसी होती हैं तो उसमें भी एपिस मेडिसिन अच्छा एक्ट करती है। मेंटली कैसा है, द पेशेंट इज़ वेरी मच ऑकवर्ड, ड्रॉप्स थिंग वाइल हैंडलिंग देम। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, चीज़ें संभालते हुए गिर देता है, इरिटेबल होगा, नर्वस होगा, मेरे ख्याल से एंग्री भी इसमें लिखा होना चाहिए, लाइक उसकी वजह से एपिस जो है वो बनी, क्योंकि मधुमक्खी से है, तो एंगर भी होना चाहिए, इरिटेबिलिटी होती है इसमें। फिजी होते हैं, फिजी क्यों, मतलब इसका है कि इसमें छोटा छोटा मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलाते रहने की आदत होती है ड्यू टू नर्वसनेस। देन हार्ड टू प्लीज, अपैथी, इनडिफरेंस, काम में इंटरेस्ट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आसपास, एंड अनकॉन्शियसनेस आर वेल मार्क्ड, अनकॉन्शियस भी हो जाता है, लिस्टलेस, कैन नॉट थिंक क्लियरली। तो मेंटली इसके अंदर वही है कि भाई एक अनकॉन्शियसनेस की स्टेट है, जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाता, ना अच्छे से पढ़ पाता है, ना रीड कर पाता है, कंसनट्रेट भी अच्छे से नहीं कर पाता, और ना ही अच्छे से सोच पाता है। वीपिंग डिस्पोजिशन, कैन नॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज एंड डिस्पोंडेंट, तो लॉस ऑफ होप है उसको, कोई लगता नहीं कि कोई उसकी कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, या लाइफ को लेके भी उसको होप नहीं है, डिस्करेज है और रोता रहता है हर वक्त। ठीक है, देन सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम स्पेशली ड्यूरिंग ब्रेन डिजीजेस, डिलीरियम आफ्टर सप्रेस स्कारलेट इरप्शन, सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस, तो उसको चीखें मतलब उसकी निकल जाती, इतना ज़्यादा ब्रेन डिजीज में उसको पेन रहता है, डिलीरियम की स्टेट रहती है, और हो सकता है उसके फेस वगैरह पे इरप्शंस भी हो जाए, और ड्राइनेस की सेंसेशन रहती है। मेंटल स्टेट एग्रेवेट्स फ्रॉम हीट एंड इन वार्म रूम, बेटर इन कोल्ड वेदर। तो मेंटल स्टेट कैसे एग्रेवेट होएगी,
हीट से एग्रेवेट होएगी क्योंकि पेशेंट क्या है, हॉट है, और वार्म रूम से एग्रेवेट होएगी और बेटर इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में उसको थोड़ा रिलीफ होता है। एलिमेंट्स क्या है, जेलेसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, बैड न्यूज़, बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्सेंथेमेटा, इम्परफेक्टली डेवलप्ड एंड सप्रेस्ड, मीजल्स, अर्टिकेरिया, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से इसकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स होती है। अब हम इस मेडिसिन के पर्टिकुलर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले इसका हेड सिम्टम है, देन आई सिम्टम है, उसके बाद हम GIT थोड़ा देख लेंगे, और यूरिनरी सिम्टम जो इसके इंपॉर्टेंट है, फीमेल सिम्टम, चेस्ट सिम्टम्स एंड स्किन और फीवर, इसका हमने पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हेड सिम्टम से, फटाफट हो जाएगा। एपीसी इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर मेनिनजाइटिस, हाइड्रोसिफिलिस। इंडिकेशंस आर, देखो अभी तक अपनों ने क्या पढ़ा, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने कहा कि यहाँ पे एडिमा लाइक कंडीशन हो जाती है पेशेंट में, कि बॉडी के अंदर या तो फुल बॉडी एडिमा है, तो NSR का जिसे हम कहते हैं, तो उसमें ही मेडिसिन इफेक्टिव है, एज वेल एज अगर बैग लेग स्वेलिंग है बिलो आइज तो उसमें भी है, और क्या ब्रेन में अगर फ्लूइड ये बढ़ गया तो उसे हाइड्रोसिफिलस कह देंगे, मेनिनजाइटिस कह देंगे, तो उसमें भी एपिस मेडिसिन इफेक्टिव है। तो हेड सिम्टम यही है पेशेंट में, मेनिनजाइटिस और हाइड्रोसिफिलस है, बट कैसे टाइप का है, स्टिंगिंग टाइप के नेचर का होगा या और कैसे है वो अपने इसमें अच्छे से बढ़ते हैं। सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम ऑफ चाइल्ड वाइल वेकिंग और स्लीपिंग, चाइल्ड लाइज इन अ स्टुपोरस कंडीशन, वन साइड ऑफ द बॉडी ट्विचिंग, अदर साइड मोशनलेस। तो इसकी एक नशे वाली स्टेट में बच्चा होता है, अगर एपिस मेडिसिन का चाइल्ड है तो वो एकदम एक नशे या स्टुपोरस वाली कंडीशन के अंदर होता है, अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, जहाँ पे एक हाफ जो है उसकी बॉडी का वो थोड़ा ट्विच कर रहा है मोशन में, और जो दूसरा पार्ट है वो मोशनलेस है, और बच्चा जो है उस चीखने लग जाता है अपने ड्रीम्स की वजह से। और साथ में उसके बाद में इसमें दिया है कि स्टुपिड स्टेट ऑफ सेमी कॉन्शियसनेस, चाइल्ड लाइंग विद द आइज पार्टली क्लोज्ड एज इफ बिनम्ड, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड और डायलेटेड, आइज वेरी रेड, फेस फ्लश्ड, चाइल्ड किक्स ऑफ कवरिंग, हीट ऑफ द रूम वर्सन्स इज कम्प्लेन। सो ऑब्वियसली बात है, बच्चा है तो उसको गर्मी तो लगेगी क्योंकि हॉट पेशेंट होता है एपीएस का, तो वो क्या अपना कंबल उतार के एकदम फेंक देता है, फेस जो है उसका पूरा रेड हो जाता है, फ्लश्ड हो जाता है, और आइज़ भी आधी उसकी खुली होती है, प्यूपल्स डायलेटेड होते हैं, एंड एक स्टुपरस कंडीशन में होता है, हाफ बॉडी तो मोशनलेस है और हाफ मोशन में है, ट्विच कर रही है, रोलिंग हेड है, ठीक है, ये सारा इसका बेसिक रहता है। और कंप्लेंट्स में इनके हाइड्रोसिफिलिस और मेनिनजाइटिस, उसमें इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं बच्चे में खास करके। आईज़ में क्या है, वही बैग लाइक स्वेलिंग होती है लोअर आईलिड में, लिड्स जो है वो एडिमेशियस होता है, बर्निंग स्टिंगिंग पेन है, ये तो सिम्टम कॉमन ही रहता है हर जगह। लैक्रिमेशन है तो वो हॉट है, कंजक्टिवा ब्राइट रेड पफी, उसमें भी ये मेडिसिन अच्छी है। सीरियस एक्जुडेशन विद एडिमा एंड शार्प पेन, देयर में ऑल्सो भी इंटेंस फोटोफोबिया, हो सकता है लाइट को लेके उसको ब्राइट लाइट को लेके फोबिया हो, एंड एक्जुडेशन विद एडिमा एंड शार्प पेन, ठीक है, तो एक्जुडेशन हो सकता है, एडिमा, शार्प पेन हो सकते हैं, और पेशेंट कैन नॉट लुक और टॉलरेट लाइट, केराटाइटिस विद इंटेंस कीमोसिस ऑफ ऑक्यूलर कंजक्टाइवा। और आइज में क्या हो सकता है, केराटाइटिस हो सकता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया, उसमें भी ये इफेक्टिव है, स्टाइज हो सकते हैं, ठीक है, स्टेफाइलोमा हो सकता है कॉर्निया का, मतलब कि प्रोट्यूजन हो जाता है कुछ कॉर्निया का या आई बॉल का कुछ पार्ट, वो प्रोट्यूड करने लग जाता है आई बॉल के वीक पॉइंट में से, और वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ होता है, तो उसे स्टेफाइलोमा कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके आई कंप्लेंट्स है, तो एक तो बैग लाइक स्वेलिंग होगी, कंजक्टाइवा में वो हो जाता है, इन्फ्लामेशन वगैरह प्रेजेंट है, केराटाइटिस है, एंड स्टेफाइलोमा है, स्टाइज है, एंड लैक्रिमेशन वगैरह, ठीक है, तो फोटोफोबिया, ये कुछ मेन इसके आई सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आते हैं इसके GIT कंप्लेंट्स में क्या दिया हुआ है इसके, सबसे पहले है टंग, ठीक है, टंग इज बेसिकली फायरी रेड टंग होती है, बहुत लाल टंग होती है, एंड इसमें स्वॉलन है, सूजी हुई होगी, सोर है, रॉ है विद वेसिकल्स, हो सकता है कुछ वेसिकल्स वगैरह प्रेजेंट हो टंग के ऊपर, टंग स्कालडेड है, रेड है, वेट है, ट्रेमलिंग, कैंसर ऑफ द टंग भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ट्रेमलिंग टंग भी हो सकती है क्योंकि बॉडी के पार्ट्स में भी ट्विचिंग है, तो हो सकता है वैसे टंग में भी हो, टंग में एडिमा हो सकता है, टंग में कुछ वेसिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ऐसे बर्निंग सेंसेशन होती है। स्टमक क्या है, थर्स्टलेस है, सोर फीलिंग, क्रेविंग फॉर कोल्ड मिल्क, ठंडे दूध की उसको पीने का मन करता है क्योंकि वो क्या है, हॉट है पेशेंट। देन असाइड्स हो सकता है क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, तो अगर एब्डोमेन में एक्यूमुलेट होगा तो उसे क्या कहेंगे, असाइड्स कहेंगे। पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेंसिटिव टू टच होगा, जो भी हो सेंसिटिव टू टच होगा क्योंकि हिपिस का हमने गाइडिंग सिम्टम पढ़ा है। डायरिया कैसा है, ऑफ कॉजेशन ऑफ ड्रंकर्ड्स इन इरप्टिव डिजीजेस, स्पेशली इरप्शन इज सप्रेस्ड, कोई भी इरप्शन है सप्रेस हो गई है उसमें डायरिया इफेक्टिव है।
उसमें डायरिया हो जाता है एंड स्टूल क्या है, वॉटरी, ग्रीनिश, येलोइश, स्लाइमी, कंटेन्स म्यूकस और ब्लड, ऑफेंसिव, पेनलेस, इन्वॉल्टरी विद एवरी मोशन एज दो द एनस इज वाइड ओपन। तो वही इसका डायरिया है कि ऐसा ही लगता है कि उसकी जो एनस का एकदम खुली हुई है, ऐसा लगता है कि स्टूल सारा निकला ही जा रहा है। तो वॉटरी होगा, ग्रीनिश, येलोइश, ऑफेंसिव, ब्लडी, ये तो नॉर्मल करेक्टर होते हैं या स्टूल के डायरिया में। कॉन्स्टेंट ऊजिंग फ्रॉम द एनस विच द पेशेंट इज अनकॉन्शियस अनअवेयर ऑफ, मतलब उसको ध्यान भी नहीं है, कॉन्शियस भी नहीं है, उसका स्टूल पास हो ही जा रहा है ड्यूरिंग डायरिया, उसको कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। देर इज मच रमलिंग ऑफ फ्लैटर, सडन डार्टिंग पेन इन द रेक्टम, अर्जिंग। तो स्टूल से पहले क्या है उसको, वही फ्लैटर्स होएगा, काफ़ी ज़्यादा रमलिंग अम्बलिंग साउंड आएगी ड्यूरिंग स्टूल, उसको ग्रिपिंग टेनिसनेस है, पेन होएगा थोड़ा सा, रॉनेस, सोनेस इन द एनस विद मच फ्लैटर्स, फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन, नॉसिया, वॉमिटिंग, बैक एक एंड फ्रंटल हेड एक। आफ्टर स्टूल क्या होगा, रॉनेस होएगी एनस में, हीट एंड थ्रॉबिंग इन द रेक्टम विद सेंसेशन एज इफ प्लग टेनिस में विद पैसेज ऑफ ब्लड, फेंट, एग्जॉस्टेड। तो स्टूल पास करने के बाद उसको थोड़ा थकान सी फील होती है, थ्रॉबिंग सेंसेशन होती है रेक्टम के अंदर, ठीक है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्लग लाइक सेंसेशन है। कॉन्कॉमिटेंट नो एपिटाइट, लिटल और नो थर्स्ट, टंग इज शाइनिंग, ड्राई, रेड, क्रैक्ड, सोर ब्रूज, सोर फीलिंग ऑफ द एबडोमिनल वॉल्स विद ड्राई एक्सेसिव टेंडरनेस, यूरिन फ्रीक्वेंस, कैंटी और सप्रेस्ड स्ट्रैंगरी, ठीक है। तो ये सारे इसके डायरिया वाले सिम्टम हो गए, और उससे पहले हमने इसका एबडमन, स्टमक पढ़ा। अब आता है यूरिनरी सिस्टम, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एपिस का यूरिनरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंपैरिजन में भी आ जाता है। इसमें क्या होता है कि यूरिनरी सिस्टम में सिम्टम आपको जो ध्यान में रखने हैं, क्या बर्निंग हो रही है, स्टिंगिंग हो रही है, और एडिमा हो जाता है बॉडी में, और तो यही जो रेडनेस है, वो वाले सारे सिम्टम आपको ध्यान में रखने हैं। और यूरिनरी सिस्टम के हमने अलग से सिम्टम्स देखे थे, क्या थे उसको, यूरिन बार बार आ रहा है डिज़ायर, लेकिन जब वो यूरिन पास करने जाता है तो उससे यूरिन पास होता नहीं है, उसको बहुत प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, और बहुत कम अमाउंट में यूरिन निकलेगा विद पेन, और हो सकता है ब्लड वगैरह भी निकले थोड़ा, ठीक है। तो वही सब है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन विद ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स, बार बार उसको यूरिन जाना है, पास करना है, और इरिटेशन हो रही है इस पार्ट की, फ्रीक्वेंट है, पेनफुल, कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन फॉर अ मोमेंट, कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो यूरिन, यूरिन पास करने जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं, बहुत थोड़ा आएगा, यूरिन इज कैंटी, कमिंग ओनली इन ड्रॉप्स, बूंदों में ही आता है, इतना कम है, ब्लडी, फिटेड, एल्ब्यूमिनस विद कास्ट, मे बी वेरी डार्क और फ्रोदी, हो सकता है ब्लडी टाइप का हो या डार्क कलर का हो। देन बिफोर यूरिनेशन एज सुन एज फ्यू ड्रॉप्स कलेक्ट इन द ब्लडर द अर्ज कम्स, कॉन्स्टेंट एंड इनफेक्चुअल अर्ज, मच स्ट्रेनिंग अबव द यूरिन स्टार्ट्स कमिंग। जैसे ही थोड़ा सा भी ब्लडर में यूरिन इकट्ठा होता है, पेशेंट को अर्ज आ जाती है यूरिन पास करने की। ड्यूरिंग यूरिनेशन उसे पेन होगा, स्टिंगिंग पेन है, स्कार सीवियरली, स्ट्रैंगरी, लास्ट ड्रॉप्स बर्न एंड स्मार्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर इवन आखिरी बूंद तक उसको जलन टाइप फीलिंग होगी, इरिटेशन होती है यूरेथ्रा में। चेस्ट में क्या है, हॉर्सनेस, डिस्निया, ब्रीथिंग हरिड एंड डिफिकल्ट, एडिमा ऑफ द लैरिंग्स, फील्स एज इफ ही कुड नॉट ड्रॉ अनदर ब्रीथ, सफोकेशन एंड शॉर्ट कफ, ऐसे लगता है वो सांस नहीं ले सकता, ठीक है। देन फीमेल जेंटल ऑर्गन्स, तो इसके अंदर एडिमा हो सकता है, जो कि फ्लूड एक्यूमलेशन तो हो ही रखा है पूरी बॉडी में, लेबिया का एडिमा हो सकता है, जो कि कोल्ड वाटर से रिलीफ मिलेगा। ओवरी का इन्फ्लामेशन हो सकता है, बर्निंग, स्टिंगिंग पेन है, वर्स इन राइट ओवरी। देन ओवेरियन ट्यूमर के अंदर हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, सो ओवरी के इन्फ्लामेशन में, ओवरी के ट्यूमर में एंड लेबिया के एडिमा में। ग्रेट टेंडरनेस ओवर द एब्डोमेन एंड यूट्राइन रीजन। उसके बाद इसमें जो मेंसेज है वो दो टाइप है, एक तो है मेट्रोरेजिया, दूसरा है डिसमेनोरिया। जो मेट्रोरेजिया है उसका मतलब क्या होता है कि जब मेंसेज का हैवी फ्लो होता है, ठीक है, और जो डिसमेनोरिया वो क्या है, पेनफुल मेंसेज है। इन दो कंप्लेंट्स के अंदर हम एपिस मेडिसिन को दे सकते हैं, तो देखते हैं। सप्रेस्ड विद सेरिब्रल एंड हेड सिम्टम्स स्पेशली इन यंग गर्ल्स, जहाँ पे हेड सिम्टम्स को हमने सप्रेस कर दिया कोई दवाइयाँ वगैरह दे के या कोई ट्रीटमेंट करके, हमने जो उसको पेशेंट में क्या कंप्लेंट्स थी, मान लो मेनिनजाइटिस की है या हाइड्रोसिफिलिस की है, उनको हमने सप्रेस कर दिया, तो अब क्या होगा, वो मेंसेस में आ जाएगा यंग गर्ल्स में। मेट्रोरेजिया प्रोफ्यूज विद हैवी एबडमन, फेंटनेस। उसके बाद में स्टिंगिंग पेन होता है, सेंस ऑफ टाइटनेस, वियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ मेंसेस वर टू अपीयर। तो उसको क्या होता है, मेट्रोरेजिया के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है ब्लड का इन बिटवीन मेंसेस, मतलब मेंसेस नहीं होते, मेंसेस के बीच में भी उसको ब्लड का डिस्चार्ज होता है, हैवी फ्लो होता है।
इन बिटवीन मेंसेस, दैट इज़ मेट्रोरेजिया। और उस फ्लो के अंदर क्या उसे बियरिंग डाउन फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि मेंसेस आ गए लेकिन आते नहीं है। ये इंटरमिटेंट ब्लीडिंग है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के अंदर हो रही है। फॉर डिसमेनोरिया विद सीवियर ओवेरियन पेन, एपिस इज़ गुड मेडिसिन। इस डिसमेनोरिया में क्या होता है, पेनफुल मेंसेस, इसमें क्या है मेंसेस हो रहे हैं लेकिन वो पेनफुल है, और पेन कहाँ हो रहा है, ओवेरियन रीजन में स्पेशली हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर भी एपिस मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। देन स्किन सिम्टम, स्किन सिम्टम इसके आपको मेन मेन याद रख लेना है कि अर्टिगेरिया में देते हैं, एरिसिफेलास के अंदर देते हैं, कैंसर में, बॉयल्स में, कार्बंकल्स में, इन सब के अंदर हम दे सकते हैं। बाकी सिम्टम हर एक में वही लिखना है कि बर्निंग होएगी, स्टिंगिंग होएगी, एंड एडीमा हो जाता है, सेंसिटिव होती है टच करने पे। ये चार पांच पॉइंट हर एक कैटेगरी के अंदर आपने लिखने हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको ट्वीक कर देना ताकि अच्छा लगे तो एग्जामिनेशन में, क्योंकि स्किन भी इसकी पूछते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्या है कि कई बार ही क्वेश्चन आ जाता है कि चार पांच मेडिसिंस ले ली, जैसे एक डलका ले ली और कोई थूजा ले लिया और एपिस मेडिसिन ले ली और एक और कोई मेडिसिन ले ली, इनको क्या है पाँच पाँच नंबर में पूछ लेते हैं इन सबकी स्किन। अब क्वेश्चन क्या है, एक ही है जिसके अंदर ये सबकी स्किन पूछ ली, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ खास है, तभी वो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। पाँच नंबर का है तो वो देखेगा भी वही कि खास क्या लिखा है, वो जो डिफ्रेंशिएट करे इनको आपस में। सो इसके अंदर क्या है, एपिस मेडिसिन के अंदर स्किन इज़ वैक्सी, पेल, एडिमेशियस, वेरी सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव होगी विद स्टिंगिंग, बर्निंग पेन, एडिमेशियस कंडीशन ऑफ द फेस, एरिसिपेल स्पेशली लोअर आईलिड एक्सटेंड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये तो मैंने आपको जो सिम्टम अभी तक बताए हैं गाइडिंग सिम्टम से, वही सिम्टम्स इसके अंदर हमें घुमा के लिखने। तो मैं इसको प्रॉपर से रीड कर देती हूँ। अर्टिकेरिया, इसमें क्या है व्हील्स लाइक फॉर्मेशन आती है स्किन पे, ठीक है, दिस इज अर्टिकेरिया। देन अर्टिकेरिया लाइक बी स्टिंग्स, स्टिंग फ्रॉम अदर पॉइजनस इंसेक्ट, बॉडी कवर्ड विद लार्ज एलिवेटेड व्हाइट व्हील्स, स्टिंगिंग, बर्निंग, प्रिकिंग विद स्मार्टिंग और इचिंग ऑफ द स्किन। तो अर्टिकेरिया में क्या है, स्किन पे व्हील लाइक फॉर्मेशन हो जाती है, तब थप्पड़ जिसे कहते हैं, थप्पड़ से पड़ जाते हैं स्किन पे, ठीक है। तो वो जो आएंगे जैसे कोई मान लो मच्छर मक्खी काट लेता है हाथ पैर पे, तो वहाँ पे क्या एक राउंड सा एलिवेटेड एरिया बन जाता है, उसे अर्टिकेरिया कहते हैं। तो वो जो है उसके अंदर भी ये मेडिसिन इफेक्टिव है, अगर वो कैसे नेचर का है, बर्निंग स्टिंगिंग टाइप के नेचर का है। एग्रावेशन कैसी हो रही है, वही हीट एप्लीकेशन से, कवरिंग से, और एम्ब्लोरेशन होती है कोल्ड से, ये भी सेम रहेगी हर एक में। बॉयल कार्बंकल्स, रोजी ह्यू, एडिमेशियस कंडीशन, सेंसिटिव टू टच, एग्रेवेशन फ्रॉम हीट, कवरिंग एंड एम्ब्लोरेशन फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन। कैंसर, द अफेक्टेड पार्ट हैज़ ग्रेट बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन विद एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच एंड जनरल सोनेस। मेटास्टेसिस ऑफ कैंसरस अफेक्शन टेक्स प्लेस इन द सेलुलर टिश्यू विद एफ्यूजन। एग्रेवेशन बाय वार्म्थ एंड हॉट एप्लीकेशन इन जनरल एंड बाय कवरिंग। एम्ब्लोरेशन बाय कोल्ड एप्लीकेशन। उसके बाद आता है इसका फीवर। फीवर कैसा होगा, जो दो टाइप का, एक तो है रेमिटेंट और एक है इंटरमिटेंट फीवर, ठीक है। सो इसके अंदर कहते हैं कि वैसे पेशेंट क्या है, हमेशा थर्स्टलेस होता है, उसे प्यास नहीं लगती, लेकिन जब इसको फीवर के अंदर चिल स्टेज आती है तो उस चिल स्टेज के अंदर उसे प्यास लगती है। सो इंटरमिटेंट फीवर जो होता है ये कुछ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, वैसे टाइप का होता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो फिर से रिपीट होता है, उसे इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। चिल बिगिंस एट 3 PM विद थर्स्ट, इसमें प्यास आएगी, पल्स फुल होएगी, रैपिड स्मॉल ट्रेवलिंग इंटरमिटेंटली, एंड चिलनेस फ्रॉम लीस्ट मोशन, स्वेलिंग, बर्निंग ऑफ द लिप्स ड्यूरिंग एंटायर पैरोक्सिज्म, बर्निंग फीलिंग होती है लिप्स पे। आफ्टर फीवर पैरोक्सिज्म देयर इज डीप स्लीप, आफ्टर परस्पिरेशन देयर मे बी नेटल रैश ऑल्सो इन शडरिंग, नो थर्स्ट इन स्वेट स्टेज, वर्स फ्रॉम वार्म एंड हीटेड रूम एंड एक्सटर्नल हीट। रेमिटेंट फीवर क्या है, एपिस इज एन इनफॉलेबल रेमेडी फॉर रेमिटेंट फीवर, स्पेशली वेन द फीवर एज्यूम्स अ टाइफाइड फॉर्म और मेनिंजाइटिस और सेरिब्रल फीवर। तो रेमिटेंट फीवर के लिए भी एपिस मेडिसिन बहुत अच्छी है, अगर वो रेमिटेंट फीवर किसका है, टाइफाइड का है या फिर मेनिंजाइटिस का है या फिर सेरिब्रल टाइप का है फीवर है। द पेशेंट इज जनरली थर्स्टलेस एक्सेप्ट ड्यूरिंग चिल एंड चिल रनिंग ओवर द बैक, फीवर इज कंटिन्यूस एंड लो टाइप, द पेशेंट डज नॉट लाइक टू कवर अप और टू बी टच और द फॉर द बॉडी इज़ वेरी सेंसिटिव, ऑलवेज वॉन्ट्स ओपन एयर, अनकवरिंग एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो ये सारी उसको चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, ये तो आपको बेसिक पता ही है, वही सिम्टम्स को घुमा के लिखा है, अकॉर्डिंग टू फीवर अरेंज कर दिया। देन आपको मोडेलिटीज़ का भी आइडिया हो चुका है कि एग्रेवेशन होगी गर्म चीज़ों से, नाइट में वार्म से, कवरिंग से, एंड एम्ब्लोरेशन होती है बाय कोल्ड थिंग, कोल्ड बाथिंग, कोल्ड एप्लीकेशन एंड ओपन एयर। फिर भी रीड कर लेते हैं, आफ्टर स्लीप क्लोज्ड वार्म एंड हीटेड रूम फ्रॉम गेटिंग वेट, टच प्रेशर लेट इन आफ्टरनून 3 PM
राइट साइड एम्योरेशन इन ओपन एयर अनकवरिंग कोल्ड बाथिंग पेन बाय कफिंग वॉकिंग चेंजिंग पोजीशन व्हेन सिटिंग इरेक्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो में कुछ अच्छे से आपको समझ आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक समझना हो या फिर इसी में ही मटीरिया की कोई मेडिसिन समझनी हो तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन.